फाइनली मैं 14 रूम्स था और टोटल एक एक करके टोटल डिटेल्स वीडियो बनाया और पूरा घूम लिया। इस बार मैं जाऊंगा बाहर में और क्या क्या बाकी है। आज तो लगता है पूरा दिन यहाँ पर ही बीत जाएगा वीडियो बनाने में। इतना बड़ा एरिया है अलीपुर जेल म्यूजियम, तो हर एक चीज़ मैं डिटेल्स में पूरा वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग को जो देखता है उसको पूरा क्लियर दिखाई दे क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। तो चलो हम गेट के बाहर जाता हूँ, सेल के बाहर। इसके बाद बाहर में और क्या क्या चीज़ें मैं आपको पूरा डिटेल के साथ दिखाऊंगा। तो बहुत बढ़िया है, मेरे को 14 रूम का वीडियो बनाने में प्राय 1 घंटा लग गया। तो मैं अभी बाहर आ गया हूँ, मैं आपको इस यहाँ पर 360 व्यू दिखाता हूँ। मैं अभी इस सेल में घुसा था, 4 नंबर सेल। तो यहाँ पर बहुत 24 रूम्स है और हर अलग अलग चीज़ रखा हुआ है, हर अलग अलग रूम में। और जिस जिस चीज़ रखा हुआ है कि कौन कौन, मतलब जैसे कोई गन हो गया, गन इस गन मतलब कोई भी गन जो जो गन यूज किया था उसका भी नाम लिखा हुआ है, जो ये गन इस लोग ने यूज किया था। बहुत बढ़िया प्लेस है, तो प्लीज़ आप लोग कभी भी आओ तो यहाँ पर जरूर मतलब विजिट करना इस जेल के अंदर 14 नंबर। तो चलो मैं अगला में जाता हूँ और 2 बाकी है। तो इसे नॉर्मली बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। देखो एक्चुअली मैं ब्लॉग में ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर थोड़ा नहीं बोलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो मैं बोलने का कोशिश करता हूँ। ऐसे भी मेरे को बोलना अच्छा नहीं लगता। जब पहले जब मैं वीडियो बनाता था सब में म्यूजिक था, मैं सिर्फ सिनेमैटिक शॉट लेता था। तो चलो मैं दूसरे टाइप पे दूसरी तरफ में जाता हूँ और क्या क्या है पूरा आपको दिखाता हूँ।